गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले टर्न पर हमने जूलॉजी प्रैक्टिकल्स के सिलेबस के बारे में चर्चा की थी। आज हम उससे आगे चलते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर पहली एक्सरसाइज जो आती है वो क्या आती है और किस प्रकार से अटेम्प्ट करनी चाहिए, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था, एनाटॉमी से संबंधित या मॉर्फोलॉजी से संबंधित आती है। और एनाटॉमी आपके सिलेबस में जो भी एनिमल हैं, जैसे कि वेलोगो है, लेवियो है या रैट है, उनकी एनाटॉमी या मॉर्फोलॉजी के बारे में ये एक्सरसाइज आती हैं। और वो क्या एक्सरसाइज हो सकती हैं, वो ये हो सकती हैं। पहली एक्सरसाइज या तो एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ वेलोगो या लेवियो हो सकती है, या जनरल विसरा। जनरल विसरा मतलब अंतरांगों की संरचना जो होती है, किस प्रकार से उसका अंतरांगों में डिसेक्शन करने के बाद में क्या क्या दिखता है, वह है उसका डायग्राम और उससे संबंधित जानकारी हो सकती है। एफरेंट इफरेंट ब्रेंकियल ब्लड वेसल्स हो सकती हैं, यानी कि जो गिल्स के अंदर जो ब्लड लेकर के जाती हैं और वापस लेकर के जाती हैं, ऐसी ब्रेंकियल ब्लड वेसल्स जो हैं वो उनके बारे में आ सकता है। आई मसल्स आ सकती हैं या उनके इनर्वेशन के बारे में आ सकता है, या ब्रेन या क्रेनियल नर्व्स आ सकता है, या इंटरनल ईयर आ सकता है। ब्लड वास्कुलर सिस्टम ऑफ रैट आ सकता है, या यूरिनोड जेनेटल सिस्टम ऑफ रैट, या नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और क्रेनियल नर्व्स ऑफ रैट आ सकती हैं। ये ऐसे एक्सरसाइज हैं जो आपके सिलेबस में पहले क्वेश्चन के अंदर आती हैं। तो जनरली यदि मॉर्फोलॉजी से संबंधित कोई अगर एक्सरसाइज आती है तो उसमें आपको अटेम्प्ट किस प्रकार से करना है, उसका सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। क्योंकि हालांकि ये चीज आपको रिकॉर्ड में नहीं लिखनी होती है, लेकिन फिर भी आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वाइवा में पूछा जा सकता है एक्सटर्नल एग्जामिनर के द्वारा कि आप इसका क्लासिफिकेशन बताइए, या इसके बारे में ये कहाँ पाई जाती है मछली, या फिर किन किन कौन कौन से स्थानों पर पाई जाती है और इसका क्या यूटिलिटी होती है, क्या उपयोग है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका एक्सटर्नल फीचर एंड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में इसका फाइलम कॉर्डेटा है, क्योंकि इसमें नोटोकोड पाई जाती है। इसका सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, क्योंकि इसकी नोटोकोड वर्टिब्रल कॉलम में बदल चुकी है। इनके डिवीजन जो है ग्नेथोस्टोमेटा होता है, क्योंकि इनके अंदर जॉल्स पाए जाते हैं, जबड़े पाए जाते हैं। सुपर क्लास पीसीज है, क्योंकि ये मछली है, ट्रू मछली है, ट्रू फिश है। क्लास ऑस्टिकथीस है, ऑस्टिकथीस वो मछलियां होती हैं जिनके अंदर बोनी एंडोस्केलेटन पाया जाता है। ऑर्डर टिलियोस्टियाई है, यानी इसके किनारे पर मुंह पाया जाता है। टिलियोस्टियाई, टिलियो मींस टर्मिनल एंड, और स्टियाई यानी उसका मुंह जो है वो टर्मिनल एंड पर पाया जाता है। फैमिली साइप्रिनिफॉर्मिस है, यानी कार्प है ये, और जीनस इसकी लेबियोरोइटा, जिसे कॉमनली रोहू के नाम से जाना जाता है। अब इसकी कैरेक्टर अगर देखें तो भारत की नदियों में पाई जाने वाली स्वच्छ जलीय अस्थिल मछली होती है, यानी स्वच्छ जल में पाई जाती है, नदी में, तालाब में, जो है झील में, झरने में, इस प्रकार से स्वच्छ जल में ही पाई जाती है, समुद्र में नहीं पाई जाती जनरली। ये सर्वाधिक चाप से खाई जाने वाली मछली भी होती है। इसको कोस्टल एरियाज में पकड़ करके भोजन के रूप में उपयोग में लिया जाता है। ये अधिकतर उष्ण कटिबंधीय प्रदेश यानी ट्रॉपिकल एरियाज जो है, जैसे कि भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है आदि में पाई जाने वाली अंडे देने वाली मछली होती है, अंडज मछली है, यानी ओविपेरस्फिश है। ये इसका डायग्राम है लेबियोरोइटा का। ये इसका स्पिंडल शेप्ड इसकी बॉडी होती है, और इसकी आईज, ये इसकी गोल आईज है, टर्मिनल माउथ है। इसके शरीर पर जो स्केल पाए जाते हैं वो साइक्लॉइड स्केल होते हैं, और इसकी दो जोड़ी पेयर्ड फिन, पेक्टोरल और पेल्विक फिन पाए जाते हैं, और एनल फिन, कॉडल फिन और डोर्सल फिन ये अनपेयर्ड फिन होते हैं। और ये फिन जो हैं वो फिन रेज के द्वारा सपोर्टेड होते हैं, फिन रेज इसके अंदर पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से ये इसका चित्र है। ये शाकाहारी तलवासी मछली होती है, यानी बॉटम ड्वेलर है, पानी की तली में पाई जाने वाली है, तो सरफेस ड्वेलर नहीं है, जो अपने भोजन में जनरली शैवाल और जलीय पौधों पर ये आधारित होती है, जलीय पौधों को अपने भोजन के रूप में उपयोग में लेती है। ये जब परिपक्व हो जाती है यानी पूर्ण वृद्धि कर लेती है तो ये लगभग 70 सेंटीमीटर तक हो जाती है, 70 सेंटीमीटर से भी बड़ी, यानी एक मीटर की लंबाई तक ये हो जाती है, और इसमें लगभग 7.5 किलोग्राम वजन से लेकर के 10 किलोग्राम वजन तक हो जाता है। इसका शरीर जो है वो सिर, धड़ और पूंछ में विभक्त होता है, इसमें गर्दन नहीं पाई जाती। इनकी संपूर्ण सतह पर ओवरलैपिंग, यानी ओवरलैप यानी एक दूसरे के ऊपर जो चढ़ते हुए इस ओवरलैपिंग साइक्लोइड शेल पाए जाते हैं। साइक्लोइड यानी जिनके अंदर साइकिल की जैसी संरचना, सर्किल्स बने हुए होते हैं, इस प्रकार के शल्क इनके ऊपर पाए जाते हैं। इनमें पृष्ठीय, पुष्ठीय, गुदीय अयुग्मित फिन होते हैं, और अंश और सुरणी वो युग्मित फिन होते हैं, जिनकी सहायता से इसमें लोकोमोशन होता है।
लेवियों में अंडजनन की क्षमता, जैसे फेकंडिटी कहते हैं, किसी मछली में अंडजनन की क्षमता, एक बार अंडे देने की जो क्षमता है उसे फेकंडिटी के नाम से जाना जाता है। इसमें फेकंडिटी लगभग 2,25,000 से लेकर के 27,94,000 तक होती है। इसकी औसत अंडाणु प्रति किलोग्राम 1,258 अंडाणु एक किलोग्राम मछली के बॉडी वेट के बराबर होते हैं। रोहू 3 साल की उम्र में परिपक्व हो जाते हैं और इसमें इकाई समय में एक रोहू के अंडाशय में लगभग 3 लाख अंडाणु किसी भी समय पाए जा सकते हैं। ये अप्रैल से लेकर के जुलाई के बीच में अंड जनन करती है। ये नदी में खुले जल में अंड जनन करती है। रोहू कभी भी स्थिर जल में या रुके हुए पानी में अंड जनन नहीं करती है। अब वेलोगो की बात करें, दूसरी मछली है वेलोगो अट्टू, जिसका सिस्टमेटिक पोजिशन इस प्रकार है। इसका फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, डिवीजन मैथोस्टोमेटा, सुपर क्लास स्पीसीज, क्लास ऑस्टिकिस, ऑर्डर सिल्यूरीफॉर्मिस, फैमिली सिल्यूरिडी और जीनस वेलेगो। पूरा नाम इसका वेलेगो अट्टू। ये वेलेगो अट्टू ये सिल्यूरिडी यानी कि कैटफिश होती है। इसके अंदर बार्ब्स पाए जाते हैं, 2 जोड़ी बार्ब पाए जाते हैं और ये बार्ब्स काफी लंबे होते हैं। एक बार्ब तो इसके पेक्टोरल फिन को छूता हुआ यानी इतना पीछे तक चला जाता है। और ये इसकी जो शेप है वो बिल्कुल स्पिंडल शेप्ड होती है, टर्मिनल माउथ होता है, सर्कुलर आईज होती हैं और जो पेक्टोरल फिन है डोर्सल फिन पाई जाती है फिन रेज के द्वारा सपोर्टेड, और नीचे एक कंटिन्यूस फिन फोल्ड पाया जाता है जो वेंट्रल साइड में होता है। भारत की नदियों में पाई जाने वाली स्वच्छ जलीय ये अस्थिल मछली होती है। ये कैटफिश है, जैसा कि मैंने बताया वार्ब्स पाए जाते हैं इसलिए इसको कैटफिश कहते हैं, जिसे स्थानीय स्तर पर पादिन या बेलेगो के नाम से जाना जाता है। ये अधिकतर भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश के अतिरिक्त वियतनाम में भी, इंडोनेशिया में भी पाई जाने वाली मछली है। पूर्ण परिपक्वता पर यानी फुल मैच्योरिटी जब हो जाती है इसकी तो ये लगभग 140 सेंटीमीटर से लेकर के 10 किलोग्राम वजन की हो सकती है। इसका सिर छोटा होता है और धड़ चौड़ा होता है। इसके मुख पर लंबे मैंडिबुलर और मैक्सिलर वार्बल्स पाए जाते हैं। जनरल विश्राफ लेवियोरेटा, ये तो थी एक मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। अब उसके बाद में इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगी, अगर कोई मछली आपको दी जाए जैसे लेवियोरेटा है तो अगर आप इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर या जनरल विश्रा क्या होगी। लेवियो की आंतरिक संरचना में अगर आप डिसेक्शन कराएंगे उसको वेंट्रल साइड से, क्योंकि हमेशा कशेरुकियों का डिसेक्शन वेंट्रल साइड से होता है और अकशेरुकियों का जो डिसेक्शन है वो डोर्सल साइड से होता है, तो वेंट्रल साइड से यानी उल्टा करके और इसके पेट पर चीरा लगाते हैं और उसको ऐसे इस प्रकार से खोलते हैं तो अंदर क्या क्या सिस्टम्स दिखाई देते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स दिखते हैं, वो जनरल विसरा कहलाता है इसका। इसमें लंबी आहार नाल मिलती है, कुंडलित जो कुंडलित पड़ी रहती है, 4 जोड़ी आंतरिक गिल्स मिलते हैं और एक एक जो है वो डबल बाइफर्केटेड होता है इसलिए 5 जोड़ी हो जाते हैं। एक स्विम ब्लैडर मिलता है जो इसकी ग्रेशिका यानी उसोफेगस से निकल करके और इसके डोर्सल साइड पर पड़ा रहता है जो इसमें बायोएंसी प्रदान करता है। इसके पृष्ठीय भाग में पाया जाता है। इसका जो हृदय है वो द्विकक्षीय होता है, एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। 2 अन्य सहायक कक्ष होते हैं जिनका नाम साइनस वेनुसस और कॉनस आर्टेरियोसस होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें किडनी, स्प्लीन, पैनक्रियास आदि भी पाए जाते हैं। इनका यूरिनोजेनिटल सिस्टम, डोर्सल ऑर्टा और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी साफ साफ दिखाई देते हैं। तो ये इसकी इंटरनल एनाटॉमी, ये इसका डायग्राम है जिसके अंदर एक्सपोज करने के बाद में क्या क्या दिखता है हमें। ये जैसे माउथ से लेकर के पूरी एलिमेंट्री कैनाल इसमें दिखाई दे रही है, कुंडलित आहार नाल इसकी होती है और एनस पर जाकर खत्म होती है। इसके साइडों में ये गिल्स हैं, इसके इंटरनल गिल क्षेत्र हैं जो इनमें गिल्स में खुलते हैं और इसमें ये पाइलोरिक सीका पाए जाते हैं जिनमें से लीवर जूस या पेनक्रियाटिक जूस या बाइल जूस निकलता है। और ये स्टमक, इसका ये फूला हुआ स्टमक है, ये स्विम ब्लैडर है जो इसको बायोएंसी प्रदान करता है। इस प्रकार ये बहुत सारे ऑर्गन इसके अंदर एक्सपोज करते ही दिखाई देते हैं। ये एनाटॉमी ऑफ लेवियोरेटा है। दूसरी है जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी दिखाए गए हैं, इसमें एयर ब्लैडर और ये एनस है, ये एनल फिन है और इस प्रकार से इसमें माउथ से लेकर के और एनस तक ये इंटरनल ऑर्गन्स इसके होते हैं। उसके बाद में इंपॉर्टेंट पार्ट है एफ्रंट और इफ्रंट ब्रैंकियल ब्लड वेसल्स ऑफ लेवियोरेटा। लेवियोरेटा के अव्यवाही और अपवाही धमनिकाएं वो किस प्रकार से होती हैं, ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम पर आधारित ये एक्सरसाइज है जो जर्नली आती है। लेवियो के हार्ट की अगर बात करें तो लेवियो का हार्ट जो है वो द्विकक्षीय होता है, जिसमें एक आलिंद एक निलय होता है। कुछ उसके अलावा कुछ दो कुछ एक्स्ट्रा चैम्बर भी होते हैं। एक एक्स्ट्रा चैम्बर होता है जो
आलेम से पहले होता है जैसे साइनस मिनुसस कहते हैं, और एक ऑरिकल के बाद में जो होता है उसे कॉनस आर्टरीसस कहते हैं। हालांकि कॉनस आर्टरीसस लेबियम में नहीं पाया जाता, ये सिर्फ एक जोड़ी वाल के रूप में नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल वल्वस आर्टरीसस के रूप में पाया जाता है। साइनस मिनुसस अनुपातिक रूप से बड़ा होता है और इसमें दो पार्श्वीय उपांग पाए जाते हैं। ये लेबियो सहित सभी जितनी भी साइप्रेनॉइड मछलियां हैं, जितनी भी कार्प हैं, उनमें उनका ये लाक्षणिक गुण होता है। ये स्पंजी प्रकृति का होता है और इसमें हार्ट जैसे इस टीलियोस्ट का यानी लेबियो का हार्ट देखें तो इधर से ये वेंट्रल ओरटा आ रहा है और ये साइनस विनुसस है जो ओरिगल में प्रवेश किया, ओरिगल से फिर वेंट्रिकल में आया और वेंट्रिकल से फिर वापस ट्रंकस आर्टरियोसस या वेंट्रल ओरटा में से चला गया, गिल्स में चला जाता है आगे। तो ये द्विकक्षीय, ये दो कक्ष, ये वाला पूरा का पूरा हार्ट है और उसके बाद में ये एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ हार्ट है। टी ए और एस बी जो है वो हार्ट के पार्ट नहीं है लेकिन वो हार्ट के साथ में रहते हैं। अवयवाही और अवयवाही धमनिकाओं की बात करें तो छोटी अधर माधमनी चार शाखाओं में बढ़ जाती है आगे चल करके, जो गिल्स में अशुद्ध रक्त को ऑक्सीजनीकरण के लिए गिल कोशिकाओं केशिकाओं में यानी जो फिन कैपिलरीज होता है, फिन कैपिलरीज होती हैं, गिल कैपिलरीज होती हैं, उनमें लेकर के जाती है। इनमें अवयवाही यानी एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज कहते हैं इनको, और चार जोड़ी अपवाही धमनिकाएं जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर को एकत्रित करके पृष्ठ माधमनी में डॉर्सल ओरटा में डालती हैं उन्हें एफरेंट इफरेंट आर्टरियोल कहते हैं। पृष्ठ माधमनी सिर और शरीर के अन्य भागों में शाखाएं भेजती है, जैसे कि इसमें ये जो चित्र है इसमें दिखाया गया है, इसमें बहुत सारी ये डॉर्सल आर्टरीज है और ये गिल्स हैं, इन गिल्स में ये हैं आर्टरियोल और ये लेके जा रही हैं शुद्धिकरण के बाद में वापस इकट्ठा करके और ये वापस डॉर्सल ओरटा में आती हैं। डॉर्सल ओरटा से फिर शरीर के विभिन्न भागों में ये सप्लाई कर दिया जाता है। ये दूसरे रेखा चित्र हैं जो अलग अलग फिश के अंदर बताए गए हैं, ये बार्बस के अंदर पाया जाने वाला है, ये वेलेगो के अंदर पाया जाने वाला है, ये कटला कटला जो फिश होती है उसके अंदर पाया जाता है, ये क्लेरियस बेट्राकस के अंदर पाया जाता है। इसमें ये हार्ट है, ये वाला हार्ट है, इस हार्ट में से निकल करके ये वेंट्रल ओरटा है जिसे अधर माधमनी कहते हैं, उस वेंट्रल ओरटा में से चार एफरेंट आर्टरीज जो होती हैं वो गिल्स में अशुद्ध रक्त को डालती हैं और गिल्स में उसका शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण के बाद में ये चार एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज उसको कलेक्ट करती हैं और डॉर्सल ओरटा में डालती हैं और डॉर्सल ओरटा से फिर शरीर के विभिन्न भागों में सप्लाई कर दिया जाता है। इस प्रकार की इसकी व्यवस्था होती है। इसी प्रकार ठीक इसी प्रकार से ये दूसरा चित्र है जिसमें ये इसकी स्ट्रक्चर बताई गई है, ये डॉर्सल ओरटा है और ये वेंट्रल ओरटा है, वेंट्रल ओरटा से वेंट्रल हार्ट है, हार्ट से फिर शुद्धिकरण या से हार्ट से ये शुद्धिकरण के लिए गिल्स में सप्लाई किया जाता है, गिल्स से फिर इकट्ठा करके फिर डॉर्सल ओरटा में बाद डाल दिया जाता है। उसके बाद में चलते हैं आगे आई मसल्स एंड देयर इनर्वेशन। आई मसल्स आंखों आंख जो पाई जाती हैं लेवियो के अंदर वो आई मसल किस प्रकार से होती हैं और उनको कैसे मूवमेंट किया जाता है इस पर एक एक्सरसाइज आती है। इसको लेवियो के नेत्र प्रारूपिक रूप से मछली सदृश पलक विहीन होते हैं, चपटे कॉर्निया होते हैं इसके, बड़े प्यूपिल होते हैं और गोलाकार लेंस वाले होते हैं। आई बाल कहते हैं आंख, पूरी की पूरी जो आंख है उसको आई बाल कहते हैं, जो आई सॉकेट के अंदर धंसी हुई रहती है। आई सॉकेट में घुमाने के लिए इस पर तीन जोड़ी या छह नेत्र पेशियां पाई जाती हैं जिन्हें आई मसल्स कहते हैं। इनमें से एक तो सुपीरियर ऑब्लिक, दूसरी इंफीरियर ऑब्लिक, यानी दो तो ऑब्लिक होती हैं और चार रेक्टस मसल होती हैं, जिसमें तीसरी होती है सुपीरियर रेक्टस और चौथी होती है इंफीरियर रेक्टस, पांचवी होती है एंटीरियर रेक्टस और छठी होती है पोस्टीरियर रेक्टस यानी पीछे की तरफ पाई जाने वाली। ये आई मसल का डायग्राम है जो आपको रिकॉर्ड में है, ये इस प्रकार का डायग्राम बनाना है होता है। ये आई मसल है, ये आई बाल है पूरी, इस आई बाल को घुमाने के लिए ये आई मसल है इसकी, ये जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल है दोनों ही और ये इंफीरियर ऑब्लिक मसल है, ये एंटीरियर रेक्टस है और ये चार रेक्टस हैं, ये एक एंटीरियर रेक्टस मसल, ये इसका पोस्टीरियर रेक्टस मसल और ये चार रेक्टस मसल और ये दो ऑब्लिक मसल। इस ऑब्लिक मसल यानी इसको चारों तरफ इस आई वाल को उस आई सॉकेट के अंदर चारों तरफ घुमाने के लिए ये तीन जोड़ी आई मसल इनमें पाई जाती हैं। इनका केवल आपको रिकॉर्ड में डायग्राम बनाना होता है, इसके बारे में लिखना नहीं होता है। उसके बाद आगे चलते हैं ब्रेन एंड क्रेनियल नर्व्स ऑफ रोहू। रोहू का जो ब्रेन है वो मस्तिष्क है, सभी मछलियों का मस्तिष्क प्रमुखतः तीन भागों में विभाजित होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। इसके अग्र और मध्य मस्तिष्क से 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं।
हमारे अंदर जो वर्टिब्रेट्स, हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स कहते हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, उनके अंदर 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, जबकि एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, जिनमें फिश और एम्फीबियन होते हैं, उनमें केवल 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। जिनमें गर्दन का अभाव होता है उनमें 10 जोड़ी, और जिसमें गर्दन पाई जाती है उनमें 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। इनमें से कुछ संवेदी होती हैं, कुछ मोटर होती हैं, और कुछ दोनों ही प्रकार की होती हैं, यानी संवेदी भी और मोटर भी दोनों ही प्रकार की होती हैं। इसमें अगर ब्रेन की बात करें तो मछली का ब्रेन इस प्रकार से होता है, ये इसका ऑल्फैक्टरी लोब है आगे की तरफ, और ये उसके बाद सेरिब्रम यानी अग्र मस्तिष्क है, ये बीच में ये मध्य मस्तिष्क है, और फिर सेरिबेलम यानी पश्चिम मस्तिष्क, और पश्चिम मस्तिष्क का दूसरा भाग मेडुला ओब्लोंगेटा, मेडुला ओब्लोंगेटा से कंटिन्यूस होती है उसकी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, इन दोनों को मिलाकर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। केंद्र क्रैनियल नर्व जो होती है मछली की, वो इस प्रकार से ये इनका एक सीक्वेंस होता है, यानी पहले नंबर पर ऑल्फैक्टरी ही आएगी, और ऑल्फैक्टरी हमेशा नोस्ट्रिल्स में जाती है। दूसरे नंबर पर आई रेटिना में जाने वाली ऑप्टिक आएगी। तीसरे नंबर पर ओक्यूलोमोटर आएगी जो आई मसल्स में जाती है। पांचवे नंबर पर पैथेटिक आती है जो आई मसल्स में जाती है। छठे नंबर पर ट्राइजेमिनल आती है जो फेस, मैंडिबल, मैक्सिला और माउथ में जाती है। छठे नंबर पर एब्डुसिन आती है जो ऑब्लिक आई मसल्स में जाती है। सातवें नंबर पर फेशियल आती है जो फेस के अंदर जाती है। आठवें नंबर पर ऑडिटरी आती है जो इंटरनल ईयर के अंदर जाती है। नवें नंबर पर ग्लोसोफेरिंजियल आती है जिसे जो टंग और फेरिंग्स के आसपास के एरियाज में जाती है। और दसवें नंबर पर वेगस आती है जो पुनः तीन शाखाओं में विभाजित रहती है, ब्रैंकियलिस, विसरेलिस और लेटरलिस। इस प्रकार से ये 10 जोड़ी क्रैनियल नर्व इसमें पाई जाती हैं। अगर हम एक मछली की क्रैनियल नर्व इसमें चित्र की बात करें तो ये इनको क्रम से इसमें दिखाया गया है। ये यहां से पहले नंबर की है ब्रैंकियलिस, जो दसवीं की एक शाखा होती है। दूसरे नंबर पर ये नवे नंबर की है जिसे ग्लोसोफेरिंजियल कहते हैं, और ये तीसरे नंबर की ये विसरेलिस है जो विसरा के अंदर जाती है। ये हायोमेंडिबुलरिस, और ये इस प्रकार से बहुत, ये इनका जो क्रम है वो उसी क्रम में ये यहां लिखी हुई है। पहले नंबर की ये जो है ब्रैंकियलिस ऑफ टेंथ वेगस, ग्लोसोफेरिंजियल, ऑडिटरी, बक्केलिस, मिड ब्रेन, ऑप्टिक, ऑप्थैल्मिका सुपरफेशियलिस, ऑल्फैक्ट्री, बक्केलिस, पैलेटिनस, मैक्सिलेरिस इन्फीरियर, मैंडिबुलरिस, मैंडिबुलरिस एक्सटर्नस और हायोमैंडिबुलरिस, फेरिंजियल, प्रीट्रीमेटिक और पोस्ट ट्रीमेटिक एंड मैंडिबुलरिस इंटरनस। पोस्ट ट्रीमेटिक और प्रीट्रीमेटिक एक गिल के दोनों तरफ जाने वाली नर्व को कहते हैं। आगे की तरफ जो जाती है उसे प्रीट्रीमेटिक, और पीछे की तरफ जो जाती है उसे पोस्ट ट्रीमेटिक नर्व कहते हैं। तो इस प्रकार से ये नर्वस सिस्टम है। इसका भी आपको केवल डायग्राम बनाना होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नर्व कहाँ जा रही है और वो क्या काम कर रही है। उसके बाद में आगे चलते हैं इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर में मछलियों में बाह्यकरण और मध्यकरण तो होता नहीं है, केवल आंतरिककरण होता है, इंटरनल ईयर होता है। ये कोमल कलायुक्त तो होता है यानी मेम्ब्रेनस होता है, और पारदर्शी ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ भी कहते हैं, क्योंकि ये इंटरनल ईयर केवल जो है ना कुछ नलिकाओं का बना होता है। इसमें तीन अर्धवृत्ताकार कैनाल पाए जाते हैं जो अंत में इनके फूले हुए तीन एम्पुला बनते हैं, सिरे होते हैं, उन्हें एम्पुला कहते हैं। ये तीन जो अर्धवृत्ताकार कैनाल हैं वो हैं एंटीरियर कैनाल, पोस्टीरियर कैनाल एंड हॉरिजॉन्टल कैनाल। इन तीनों कैनालों के अंत जो हैं वो फूले हुए होते हैं, गुब्बारानुमा संरचना बनाते हैं, इनको एम्पुला कहते हैं। एम्पुला ऑफ एंटीरियर कैनाल, एम्पुला ऑफ पोस्टीरियर कैनाल एंड एम्पुला ऑफ हॉरिजॉन्टल कैनाल। तो इस प्रकार से ये दो एम्पुला के अलावा कॉक्लिया लेजिना और यूट्रिकुलस और सेक्युलस नाम के फूले हुए गुब्बारानुमा संरचना भी इसके अंदर पाई जाती है। इंटरनल ईयर का जो काम है वो सुनने के अलावा बैलेंस बनाने का भी होता है। तो बैलेंस बनाना यानी बॉडी का संतुलन बनाना और सुनना, ये दोनों काम इंटरनल ईयर करता है। ये इसका लेवियो का इंटरनल ईयर है जिसके अंदर ये कैनाल है, ये पोस्टीरियर कैनाल है, इस पोस्टीरियर कैनाल का ये एम्पुला है, एम्पुला ऑफ पोस्टीरियर कैनाल, ये एंटीरियर कैनाल है, ये एम्पुला ऑफ एंटीरियर कैनाल है, ये हॉरिजॉन्टल कैनाल है, ये एम्पुला ऑफ हॉरिजॉन्टल कैनाल। इसके अलावा इसमें एक ये यूट्रिकुलस और एक ये सेक्युलस भी इसमें पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है। दिस इज ऑल अबाउट द एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स एंड फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ प्रैक्टिकल। थैंक यू वेरी मच।